हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज के हमारे संडे का वीडियो का टाइटल है लिव द लाइफ टुडे, लिव योर लाइफ टुडे, राइट। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सही बात है दोस्तों। हमारे इस स्टोरी में जो किरदार है, जो कैरेक्टर है रमेश, वो ऐसा समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब खुशियां खरीद सकते हैं, पैसे से आदमी बड़ा हो जाता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, राइट। जिंदगी किसी की राह नहीं देखती, खुशियां किसी की राह नहीं देखती। खुशियां आपके पास आती हैं, चल के आपके पास आती हैं, लेकिन आप इग्नोर करते हैं ये कह के कि मैं इससे भी बड़ी खुशी लेके आऊँगा। लेकिन हर छोटी खुशी में जो खुशी है, वो खुशी कहीं भी नहीं है, राइट। तो ये स्टोरी आप लास्ट तक देखना। मैं आपको दावा करता हूं कि अगर ये स्टोरी देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आएगा। क्योंकि हम लोगों में से कई लोग इस रमेश के कैरेक्टर की जैसे रखते हैं, हम भी यही सोचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ पैसा सोच के, राइट, और उसमें छोटी छोटी खुशियों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट सो दैट यू कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने किया नहीं हो, और वो बेल आइकन प्रेस करना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे अगले संडे का वीडियो का भी, राइट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लेट्स गो। दोस्तों, ये कहानी है रमेश की। रमेश एक बहुत ही ऑनहार और सिंपल लड़का है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। रमेश जब भी स्कूल जाता है, उनके दोस्तों को देखता है, बहुत सारे बच्चों को जिनके पापा गाड़ी में आते हैं, राइट, जिनके पास काफ़ी पैसे हैं, उनको बहुत सारे चीज़ें सारी चीज़ें खरीद के देते थे, नई बाइसिकल, ये सब देखकर उसे ऐसा लगा कि मैं क्यों गरीब हूँ, मेरे पिताजी क्यों ये सब खरीद नहीं सकते हैं, राइट। तो उसके मन में ये हुआ कि मैं भी बड़ा हो के बहुत पैसे कमाऊँगा, और पैसे जहाँ होंगे वहाँ पर बहुत खुशियाँ होंगी। और उसके मन में ये फिक्स हो गया और उसने एक टारगेट बना लिया मनी का, राइट। और इसलिए वो पढ़ना शुरू किया उसने, उसने अपने आप को क्वालिफाई बनाने की कोशिश की, और इस तब से वो हर एक क्लास में रैंक आने लगा, हर एक क्लास में फर्स्ट रैंक आता है। देखते ही देखते उसका 10वीं ख़त्म हुआ अच्छे मार्क्स के साथ, फिर उसने 12th फिनिश किया अच्छे मार्क्स के साथ, फिर उसने वो डिग्री सिलेक्ट की जिसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा सैलरी मिले, और उसने वो डिग्री भी उसने हासिल कर दी। कॉलेज के लास्ट ईयर में उसका कैंपस इंटरव्यू हुआ और एक बड़ी कंपनी ने उसे कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया। ये जब उसका स्टूडेंट लाइफ था, उसने सिर्फ मनी को टारगेट करने के वजह से उसकी कोई खुशियाँ उसके साथ नहीं रही, उसने सारी खुशियाँ को सेक्रीफाइस कर दिया, राइट। ना कभी खेलने गया, ना कोई पार्टी में गया, ना कोई फेस्टिवल मनाने गया, और इसी तरह उसने अपना बचपना खो दिया, राइट। और अब वो नौकरी पे लग गया। इस ड्रीम के कारण वो अपने माँ बाप को भी टाइम दे नहीं सका। उसके माँ बाप उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, जब भी उसे कोई काम के लिए बोलते थे, जब भी उसके कोई फंक्शन में बुलाते थे, वो हर बार ये कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। और यही बोल के वो हर दिन हर रात मेहनत करने लगा और हमेशा बिजी रहता था, राइट। देखते ही देखते उसकी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। उसके दो बच्चे थे। जिस कंपनी में उसने ज्वाइन किया जॉब में, वहाँ एग्जीक्यूटिव से आज वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया, और देखते ही देखते कुछ सालों में वो मैनेजर के पोस्ट पे आ गया। अब उसे बंगला, कार सब कुछ मिलने लगा, लेकिन फिर भी उसका जो टारगेट था वो था और टॉप पोस्ट, राइट, जिसमें बहुत पैसे मिले। तो इसीलिए जब भी उसके बच्चे उसे स्कूल बुलाते थे, कोई क्रिकेट खेलने बुलाता था उसका लड़का, या तो फिर कुछ फंक्शन या गेट टुगेदर बुलाते थे, हर बार उन लोग को एक ही एक्सक्यूज देता है, और थोड़े दिन, और सिर्फ थोड़े दिन, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, और सब बेचारे मायूस हो जाते थे। देखते ही देखते वो मैनेजर बना, जनरल मैनेजर बना, और फिर एक दिन उसे कंपनी ने कंपनी का CEO बना दिया। नाउ ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ द कंपनी, उसे सब कुछ मिला। एज ए CEO उसने बहुत पैसा कमाया, और एक दिन वो घर पे गया और उसने सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया और बोला अब वो दिन आ गया है, अब मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब मैं ये कंपनी छोड़ने वाला हूँ, मैं सारी नौकरी छोड़ के सिर्फ आप लोगों के साथ रहूँगा,
फैमिली वालों में तो क्या बोलते हैं, खुशियों की लहर आ गई। वो सब इतने खुश हो गए हैं क्योंकि पहली बार उनके पिताजी उनके साथ रहने वाले हैं, उनका बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहने वाला है, तो पूरा घर का माहौल खुशियों से भर गया, राइट। और उस दिन शाम वो अपना रेजिग्नेशन लेटर कंपनी में दे के आया। आते ही उसने अपना बैग फेंका और सोफा पे बैठ गया। सारे फैमिली मेंबर्स उसके इर्द गिर्द आ गए, सब लोग खुशियों से बात करने लगे। रमेश ने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, राइट। और फिर उसने सबसे पहला प्लान बनाया, लेट्स गो फॉर हॉलीडे, कल सुबह हम लोग हॉलीडे के लिए जाएंगे। बच्चों को तो खुशियों का पार नहीं, वो इतने खुश हो गए हैं। और रमेश ने मोबाइल से कुछ हॉलीडे पैकेज सेलेक्ट किया और दूसरे दिन का टूर फिक्स कर दिया, राइट। सब लोग ने साथ में मिलके डिनर किया, बहुत सालों के बाद, शायद बच्चों ने तो पहली बार किया होगा, बहुत सालों के बाद सब लोग मिलके डिनर किया और सब लोग के चेहरे पे खुशियों की लहर चल दिख रही थी। और फिर सब लोगों ने खुशी से गुड नाइट एक दूसरे कहकर सोने गए हैं, राइट। सब लोग एंथू थे, सब लोग ईगर थे दूसरे दिन के सुबह के। और दोस्तों, रमेश के लिए दूसरे दिन का सुबह हुआ ही नहीं। रमेश सोया तो सोया, उठा ही नहीं। हार दोस्तों, रमेश को माइल्ड हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए सो गया, वो इस दुनिया से चल बसा। यस, घर पे फिर से मातम छा गया। खुशी कुछ पल के लिए उनके घर पे थी और फिर से लौट गई। और इस तरह रमेश की ज़िंदगी बिना खुशी देखे ही ख़त्म हो गई। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? क्या मानते हैं आप, हमें रमेश बनना चाहिए? हाँ, हमारे पास जो छोटी छोटी खुशियां हैं, हमारे इर्द गिर्द दोस्त हैं, राइट, फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबके साथ मिलके रहो। एक छोटे छोटे पल में जो खुशियां हैं, वो खुशियां कभी वापस नहीं आती है। वो खुशियों को अगर आप ठुकराओगे, वो वापस मुड़ के नहीं देखेगी। यही हुआ रमेश के साथ। तो प्लीज़ एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। मनी कैन नेवर बाय हैप्पीनेस, लेट मी टेल यू, मनी कैन नेवर बाय हैप्पीनेस एंड लाइफ इज जस्ट वंस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करो सो देट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट संडे के वीडियो का। ओके, बाय टिल नेक्स्ट संडे, बाय।